आज के जो हमारे गेस्ट हैं, एक ऐसी शख्सियत जिनसे मैं कहता हूं कि हम ये कर रहे हैं तो ये कहते हैं ये हम 20 साल पहले कर चुके। मैं इनसे कहता हूं मैं कॉमेडी कर रहा हूं, कहते हैं 20 साल पहले कर चुका हूं। कहता मैं ड्रामा कर रहा हूं, 20 साल पहले मैं कर चुका हूं। ये इतना कुछ कर चुके हैं कि फिलहाल कुछ नहीं कर रहे। पुट योर हैंड्स टुगेदर लेडीज एंड जेंटलमैन, मनी। देखिए मैं बिल्कुल भी फारिग नहीं हूँ, मेरे हाथ में एक कप है। हाँ, बिजी हूँ। मैंने कहा मैं चाय पिला दूँ, कहने वो मैं कर चुका हूँ। हाँ मैं कर चुका। एक्चुअली ये इतना सारा हो चुका है ना, तो अब कुछ नया करो आज बॉस। क्या नया करें भाई, तो बता क्या नया कर रहे हैं। सर्जरी करवा लें यार। करवाई है। करवाई? हाँ करवाई। बड़ा छोटा किया? बाल थोड़े से मैंने जो है ना यहाँ से लगवाए, इधर से साइड से। साइड से बाल लगवाए? और कहाँ से निकलवा के यहाँ लगवाए? वो यहाँ से। अच्छा नानी भाई। जी भाई। कैसा लग रहा है? नर्वस यार। ये भाई वाली बात जो है ना, वैसे मजे की बात ये मैं इसलिए कि आजकल इंस्टाग्राम पे भी लड़कियां मुझे कहती है मानी भाई। नहीं मैं आपको पार्टी की वजह से कह रहा हूँ, जिस पार्टी से आपके एफिलिएशन है वहाँ पे भाई कहे बगैर ऐसा लगता है कि नाम पूरा नहीं हुआ। आराम से बोलो वरना उठवा लूंगा, बता रहा हूँ। क्या मुझे? नहीं भाई जो है वो एक इज्जत और प्यार में कहते हैं आपको पॉलिटिक्स में। हाँ सही, कराची के लड़कों को होता है वैसे पॉलिटिक्स में। हमारे यहाँ है, मुझे भी बहुत कर्फ्यू के पले बड़े हैं। हम लोग कर्फ्यू में और फायरिंग में देखे बड़े, भत्ते वत्ते खाले वाले सब देखी हमने। तो हम लोगों का वैसे नेचुरली पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है, मगर आपका कुछ ज्यादा है हमसे। आपने इतना ज्यादा है कि आप पॉलिटिकल पार्टी में ही चले गए। जब मैं आया हूँ इस काम में, हालांकि मेरे पार्टनर जो थे वो बहुत नॉन पॉलिटिकल हैं, असल भाई, और मैं जो हूँ बहुत पॉलिटिकल हूँ, पर वो कहते हैं तू फंस रहा है बिलाव जाओ। और हमारे तीसरे दोस्त टीपू जो रोजाना मुझे गाड़ी में बैठ के कहते हैं मेरी जान के टोटे, तो समझ नहीं रहा, तो समझ नहीं रहा, और मुझे समझाते हैं। मैं कहता हूँ यार तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, और उसके फौरन बाद में वही करता हूँ जो मैं सोच रहा। ये था कि इमरान खान के डाई हार्ड फैन थे आप? बिल्कुल, अभी भी मैं इमरान खान ऐसा मुझे पॉलिटिशियन पसंद है, लेकिन उसकी जो टीम है अल्लाह माफ़ करे वो कोई अजीब सी टीम है। अच्छा मुस्तफ़ा भाई की टीम ठीक है? मुस्तफ़ा भाई खुद ठीक हैं, उनकी टीम में कुछ लोग अच्छे हैं कुछ लोग बुरे भी हैं, और वो छांटी हुई है अभी ठीक ठाक छांटी। हाँ चार लोग रह गए, इतनी छांटी हो गई। मैंने सुना कि आप पहले ये इसमें थे सुनी तहरीक में? नहीं पीटीआई में थे, और आपने पीटीआई को छोड़ा। हाँ, और फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी पीएसपी को ज्वाइन किया। बिल्कुल, टोटल चार लोग थे पीएसपी में। तीन थे, चौथा मैं। आप जब भी उनका नाम आता है मुस्तफ़ा कमाल का, तो आप फौरन ऐसा लगता है कि मार्केटिंग मैनेजर है उनके। मैं किसी के साथ भी जुड़ता हूँ तो मार्केटिंग मैनेजर बन जाता। अच्छा जेन्युइनली? अच्छा मैंने सुना है मुस्तफ़ा भाई हर वक्त वजू में रहते हैं। टूटता नहीं उनका वजू? नहीं वजू टूट जाता है कॉन्स्टिपेटेड, जब वो अल्ताफ हुसैन का नाम लेते हैं। तो ऐसा क्या हुआ मानी भाई कि पीटीआई में टिकट नहीं मिला? अच्छा तो वो हुआ ये क्या नाम है कि वो पीटीआई जो थी वो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी बन गई। मेरा मसला अल्ताफ हुसैन से, मुझे मसला अल्ताफ हुसैन से। क्या मसला? उनके आपके पैसे नहीं दिए? नहीं यार, पप्पी ले ली क्या? हमारे बच्चे मरवा दिए, 30-40 हज़ार जो बच्चे थे वो मर गए कराची के यार। तो मुझे तो इशू वही है अल्ताफ हुसैन, तो जो अल्ताफ हुसैन को बेहतर डील करेगा मैं उसके साथ खड़ा हूँ। खान साहब जो है वो आते हैं कराची में, कराची का सबसे बड़ा मसला है अगवानी। अरे भाई अगवानी चले गए वापस। हाँ कराची का मसला अगवानी नहीं है, जिन्होंने इनको बना दिया वो उनको भी बना देंगे। अच्छा कौन है वो लोग? वो लोग वही है नामालूम अफराद। इसमें सिर्फ ऑनेस्टी की बात होगी। उठवा लूंगा बस, बता रहा हूँ। नहीं मैं 2-3 बार उठ चुका हूँ भाई, मैं बड़ा एक्सपीरियंस उठवा दूंगा तुझे, बता रहा हूँ। वो दिन चले गए, अब वाकई वो दिन चले गए। और अब कराची में भी झगड़ा होता है ना, तो दो लड़के आते हैं कहते हैं, और पहले कराची में फड्डा होता था घुरा घुरी का ना, कि आप जा रहे हैं एक बंदा जा रहा है यूं करके जा रहा है और यूं घुरता हुआ जा रहा है, और उसका बदमाशी भी कर रहा है, क्या देख रहा है, यूं करके आता था और पटाख चमक। लेकिन अब वो जब से ही रेंजर्स ऑपरेशन हुआ है लोग सहम गए हैं, और कुछ फड्डा भी यूं होता है, हाथ लगा। तो अब ये अच्छा हो गया बेसिकली, क्या कर रहे हैं ना, पहले वाला सीन खत्म था सही। पहले आप सेक्टर इंचार्ज के पास जाते थे और आप मुर्गा बनते थे। हाँ अब सेक्टर इंचार्ज खुद मुर्गा बना हुआ है। अक्सर तो वो बकरी बना होता है। अगर हम ये भी कहते थे ना कहीं यार अल्ताफ हुसैन भाई, हाँ तो वो पीछे से आके पकड़ लेता था। हमने जो छांटी की है बेसिकली पीएसपी में ऐसा कोई कारकुन नहीं। पीएसपी में कारकुन ही कहा है? आपको पता है एक बार मुझे एमक्यूएम के कुछ लोग उठा के ले गए एनुअल डिनर से यूनिवर्सिटी के।
तूने फिर कोई हरकत की थी? कोई हरकत वो जो तुमने वो किया था हेलो नहीं नहीं उसके पहले उससे वो तो आईबीए की थी, ये मेरी इंजीनियरिंग के दौर की है। तो मैंने वहाँ पर कुछ भी नहीं किया हुआ था। एक सेक्टर इंचार्ज थे जिनका एक लड़की से मोहब्बत, आपको पता है सेक्टर इंचार्ज की टू वे मोहब्बत कभी नहीं होती। हाँ हाँ सही, कोई भी खूबसूरत लड़की यूनिवर्सिटी की हो वो फुरकान भाई की बच्ची होती है, बच्ची होती है। तो लड़की को पता नहीं होता कि फुरकान भाई कौन है, हाँ मगर फुरकान भाई की होती है। तो वो थी, मुझे नहीं पता था फुरकान भाई की बच्ची है भाई, क्योंकि वो मेरे साथ थी, मेरी दोस्त थी, मुझसे मोहब्बत करती थी। तो मैंने उससे पूछा भी भाई कि तुम फुरकान भाई की भी बच्ची हो? उसने कहा नहीं मैं तो नहीं हूँ। तो हम जब आप गए तो फुरकान भाई नाराज थे, वो तेरी तो कुछ लड़के आए, आपको पता है एमक्यूएम के लड़के आते हैं, मारो और चले गए। मैं क्या पता नहीं क्या कह रहा था, हाथ लगा चला गया, फिर थोड़ी देर बाहर आओ, फिर बाहर चला गया। तो उन्होंने मुझे, मैं तैयार सूट वूट पहना, उन्होंने मुझे ईंट पे बैठा दिया यूं करके, नीचे मैं ईंट पे बैठा। अब 2008 की बात है और पहली बार पीक टाइम था, 2008 की बात है, पीक टाइम था और एक लड़का बाहर आया, वो भी सूट में था क्योंकि सबका एनुअल डिनर था ना। तो वो आया यूं निकाली और वो निकाल दिया उसका मैगजीन, मैगजीन निकाल के रख लिया जेब में मेरे सामने ही। अच्छा, और उसके बाद लोड करके मेरे सर पे रख दी। तेरी डर था, तुमसे कहा था यहाँ नजर नहीं आना, समझ नहीं आते, गाड़ी निकाल। अब ये कह के उसने गाड़ी मंगवाई, अब मैं समझा को करोला तो आएगी कम से कम। हाँ, कम से कम सही है। अब एफ एक्स आके खड़ी हो गई सामने। अब मैंने कहा चलो सही है, बैठा होगा आसिफ लीला भाई। अच्छा, वो इस तरह गाड़ी भी ऐसे चलाते हैं ना, वो लीला भाई जो है वो बहुत दुबले से होते हैं, बहुत बिल्कुल स्किन के साथ, चमड़ी के साथ, उनके ना हड्डियों के साथ जुड़ी होती है, पैंट की फ्लाई छोटी होती है, पैंट की फ्लाई छोटी होती है। अब पैंट जो है, पैंट जैसे मेरी चिपकी हुई है, अजीब चिपकी होती है वो, और वो बुरी लगती है बेसिकली। यहाँ से खुली हुई होती है, मुंह में गुटखा भरा होता है और वो यूं होते हैं, लेकिन उनका चंबा बड़ा टाइट होता है, सही ना, और सारी पावर गन में होती है उनके ना, सारी पावर। अच्छा, पीछे आप वो बंदा आया, वो गाड़ी में वो बंदा आया। अच्छा, गाड़ी चलाते ना वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि इनका एक कूला नहीं है, टेढ़ा कूला होता भी नहीं है, होता भी हाँ होता भी नहीं। एमक्यूएम के जो लड़के होते थे, यूनिट के लड़के, सेक्टर इंचार्ज का होता था क्योंकि वो ज्यादा खाता था। हाँ, सही नहीं, यूनिट इंचार्ज जो है गुटके पे रहता था, सॉरी यूनिट इंचार्ज से नीचे जो लोग थे, कारकुन जो थे वो गुटके पे होते थे, तो उनके कूले ही नहीं होते थे। यार क्या टाइम आ गया, हम एमक्यूएम की बात लगा रहे और कूलों का जिक्र हो रहा है, वो भी एमक्यूएम की बात लगा रहे, एमक्यूएम कूले डिस्कस हो रहे यार, अल्लाह हू अकबर। डेडिकेटेड टू अल्ताफ भाई, अल्ताफ भाई आप क्या टाइम आ गया। अरे तो वाकया बीच में रह गया कि एफएक्स आई और खड़ी हो गई ना, हां डालो। मैं तो उनकी पोटेंशियल बोरी था। तो अच्छा, अब मैंने कहा यार एफएक्स है, इसमें एक आधी लड़का जाएगा मेरे साथ, उसमें भाई जान सबको जाना था साथ। अब हम एफएक्स में किडनैप हुआ हुआ आदमी यूं बैठा हुआ है, सही है, टांग उठा के और बीच में बैठा हुआ, और उस पर भी उन्होंने मेरे गन लगा दी। अब किडनी में सामान, मैं उनको बोल भी रहा हूँ भाई मैं कहाँ चला जाऊँगा जो किडनी में सामान, अब बैठा रहे। सुपर हाईवे गए हम लोग, मैं दुआ कर अल्लाह मियाँ ड्रिल, बस ड्रिल ना करें, मार दें बस मार दें, मैं सोच रहा था। और फिर बीच में क्या भी रहे, सिगरेट पिएगा तो मुझे डाला। अच्छा, थोड़ी देर में उनको कोई फ़ोन वोन आया और उन्होंने कहा हाँ चल बस ले चल इसे, हो गया। फिर गाड़ी में डाला, फिर यूं करके एनुअल डिनर में वापस आए, और डिनर भी किया, एनुअल डिनर वापस आए और मुझसे कहा चलो जाओ अंदर खाना खाओ। टोटल मुझे डराने के लिए ले गए थे। और उसके बाद यार वैसे बाकी ये नहीं, तो बड़ा किस्सा है। हाँ, बहुत बड़ा किस्सा है। मेरे अब्बा भी उठ चुके हैं, अब्बा भी अगवा हो चुके हैं, हम लोग फैमिली, हमारा बिजनेस है उठना उठना। आपके ख्याल में हीरा को, आपकी जो वाइफ है, उनको इनमें से जो ऑप्शंस दूंगा, इनमें से किन से ज़्यादा खतरा है, किन एक्ट्रेसेस से ज़्यादा खतरा? इकरा अजीज, हिना अल्ताफ, हानिया आमिर, ऐमन खान, सना जावेद या बकार जगा? बकार जगा हाँ ना, कहीं से भी निकल के आ सकते हैं ना, बकार जगा कुछ भी कर सकता है, बकार जगा अभी हीरोइन बन के आ सकता है किसी ड्रामे में, आ सकता है, बकार जगा कुछ भी कर सकता है, बकार जगा सांप की पप्पी लेता है वो शख्स, फिर सांप थू कर रहा है। हाँ, वैसे किससे खतरा है यार? सबसे खतरा है बताऊँ, क्योंकि ये सारी अच्छी हैं, हीरा से तो अच्छी है सारी की सारी, ये आप कह रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं कैमरे में कह देंगे, सबसे अच्छी सब अच्छी है। मानी डजंट लाइक हीरा, हैशटैग कर देना। हां नहीं, मानी लाइक हीरा लेकिन डजंट लाइक, हंबल हो गया, हंबल हंबल हो गया। सवाल ये था कि शादी से पहले और शादी के बाद दो जो मानीज हैं इनमें क्या फर्क है? यार मैं बड़ा मोहतरात हो गया हूं, मतलब नहीं अब मैं फैमिली प्लानिंग के उसमें कह रहे हैं या वैसे? फैमिली प्लानिंग तो दो बच्चे ही काफी हैं, दो बच्चे, आपको पता है दो बच्चे क्यों काफी हैं?
तीसरा नहीं होने देते, बाकी सब कुत्ते गंदे नहीं, तीसरा होने नहीं देते दो बच्चे। अच्छा सही है, शोर करते रहते हैं, गलत टाइम पे आ जाते हैं। हां गलत टाइम पे आ जाते हैं। हमारे अब्बा कहते थे बेटा वैसलीन इस्तेमाल करो, दरवाजे के नॉब पे लगा दो, बच्चे खोलते रहेंगे, खुलेगा नहीं। अच्छा आपको पता है ना कि ये मैं सब हर गेस्ट को बताना पड़ रहा है कि मैं कर क्यों रहा हूँ ये। क्यों कर रहा है भाई? भाई मुझे रातों रात अमीर होना था। नहीं इससे नहीं हो सकता, मुझे अम्मी ने बताया इससे नहीं हो सकता, इसके बाद एक और स्टेज है। क्या वो भी रातों में करना पड़ेगा? अच्छा सबसे पहले होता है कि आप पार्टी में जाते हैं, पार्टी ये कपड़े गलत हैं, क्या पहनूं उतार दूं? नहीं नहीं आप डिजाइनर में जाओ, आप बोलो आई एम ताबिश। बजट इतना था ना? नहीं नहीं तू बैठ, तू बैठ, आप बोलो मैं ताबिश हूँ, मैं ताबिश, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरे इतने मिलियन लाइक्स हैं, फैंस हैं, तो वो आपको कपड़े देगा। अच्छे अच्छा हाँ वो कपड़े देगा, वो कहेगा आप प्लीज मुझे टैग कर दीजिएगा। अच्छा ये सारे स्टार्स करते हैं सिर्फ आप कर रहे हैं? 99% स्टार्स ही कर रहे हैं, 99% एक परसेंट जो है तू नहीं कर रहा। मैं नहीं कर रहा, मैं अपने पहन रहा हूँ, सब कुछ अपना है मेरा। तो अच्छा आप जा रहे हैं, अब आप हीरो बन गए हैं, तो आप चल के दिखाएं कैसे वॉक होगी आपकी। मैं हीरो बन गया? हाँ हीरो बन। असल में मैं यार पार्टी का लड़का रहा हूँ। अंदर है, अंदर है, अंदर आता हूँ। नहीं 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 बॉस नहीं, बैठे बैठे। ओहो मैं वैसे पार्टी में नहीं जाता, मैं एक पार्टी में गया पिछले दिनों, पार्टी में तो मैं पाकिस्तान के चार बड़े हीरोज से मिला जो आजकल के नए लड़के हैं बेसिकली, और बहुत मशहूर हैं बेसिकली। और जैसे ही मैं पार्टी में गया सबसे पहले जो एक बहुत मशहूर वाला वो यूँ आया, मानी उसने आते ही जो है ना मुझे यूँ किया, और फिर दूसरा वाला हेलो हाय कसम खुदा की, और फिर जैसे ही वो ड्रामा करते हैं तो यूँ आते हैं कैसी हो बिस्मा, और जैसी आप कह रहे हैं आप कट करें, कट चाय करो, नहीं चाय करो नहीं, ये हीरो, ये हीरो तो यूं आ गए, तो हीरोइन क्या मतलब? हीरोइन भी फिर उल्टी चलती होगी, यूं करके आती होगी। हाँ 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 यूं करके आती है, हीरोइन यूं है। आपने लड़कियों की तरह चलने वाले हीरोज को बुरा समझा? नहीं मैंने अच्छा समझा, नोट कर लो बासित, अच्छा समझा मुझे, अच्छा लगा। आप लोगों ने मतलब चुन चुन के सब मासूम लोगों की वाट लगाई है, काफी सही है। साहिर लोधी को आपने साहिर लोधी हमने बनाया, पहले वो अमरीश पुरी को कॉपी करते थे, आप लोगों ने शाहरुख खान कह कह के उनके सर में अंदर शाहरुख खान डाला, और आखिर में वो मिल भी गए शाहरुख खान से, एक दिन मिल भी गए, एक दिन मिल भी गए, कहने लगे शाहरुख आओ मेरे जैसा पोज करते हैं। कितना दो नंबर आदमी है, आओ शाहरुख मेरे जैसा पोज करते हैं। उसको लगता है कि वो शाहरुख खान है, वो उसने काफी हद तक कोशिश भी की और वो करीब पहुंच गए। साहिर लोधी को मीम भी आई कि जब शाहरुख खान से मिले वो कि वो अपने मानी भाई MCQs दे देना, बहुत आसान है, बहुत आसान MCQ। इनमें से इन कपल्स में सबसे मिसमैच कपल कौन सा है? नाम लूंगा जल्दी जल्दी, यासिर निदा, एमन मुनीब, आयजा दानिश, हिरा मानी, आसिम रजा और शहरयार मुनव्वर सिद्दीकी। आसिम रजा शहरयार मुनव्वर सिद्दीकी ये है। हाँ यार मिसमैच है, शदीद मिसमैच, गलत वक्त पर शादी कर ली, सारी इन्वेस्टमेंट अपनी लग गई। हाँ यार गलत है, कर भी सुसर फौजी है। जब शादी हो रही थी ना उनका आर्मी फैमिली है तो ये तो एजेंसियों के थ्रू वो कराते इंक्वायरी। हाँ, मेरे को हालत खराब हो गई, बिल्कुल ब्लास्ट हो गया भाई, पता नहीं क्या क्या पता कर लेंगे। मैं दुआ करता रहता था रात में कि यार कहीं अब्बा को ना बता दें पता करके, बस अपने तक रखे, नहीं करनी नहीं करें। फिर क्या हुआ, रिश्ता पक्का हो गया, मेरी और फट गई। मैंने कहा भाई किनके हाथों में मुल्क, मुझे नहीं पकड़ पाए। कलभूषण कितना बेवकूफ होगा जो पकड़ा गया। सब्सक्राइब टू नाचपाती है, कमेंट्स करें, टेक करें, बर्बाद करें, तबाह कर दें, जो करना कर लें, जो उखाड़ना उखाड़ें।